So we'll start with your new subject that is genetics. ठीक है, genetics के अंदर जैसे हम थोड़ा सा अगर मैं आपको आइडिया दूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो जेनेटिक्स में जनरली कवर होते हैं. एक तो मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है, क्योंकि जॉर्ज मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स. मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड, ये सब क्रॉसेस क्या होते हैं. ठीक है, इसके अलावा जैसे कुछ आपके फिनोमेना होते हैं जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली को डोमिनेंस क्या होता है, इसके अलावा इसमें आपका लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, कि लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का क्या कंसेप्ट है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर. बेसिक्स जो होते हैं वो सेम है, बट ऑब्वियसली अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इन पे बनते हैं. ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका एपिस्टेसिस हो गया, एपिस्टेसिस क्या होता है. इसके अलावा जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन, अलग अलग जो एनिमल्स होन में अलग अलग सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होता है. इसके अलावा जैसे आपका पेडिग्री एनालिसिस हो गया, म्यूटेशंस होगी, डीएनए रिपेयर हो गया, ये सब टॉपिक्स हैं जो हम जनरली जेनेटिक्स में पढ़ते हैं. ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो लाइक इम्पॉर्टेंट क्योंकि थोड़ा बहुत जो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे यहाँ पर ना प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आएगा. ठीक है, यहाँ पर हम एक प्रोबेबिलिटी और एक आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा सा इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि जेनेटिक्स में जो भी बेसिकली हम कैलकुलेशन करते हैं दे आर जस्ट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. तो आई विल लेट यू नो अबाउट सम ऑफ द फॉर्मूलाज, सो दैट फॉर्मूला विल ऑल्सो हेल्प इन डूइंग सम जनरल क्वेश्चंस एज वेल एज योर द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू योर जेनेटिक्स. ठीक है, सो अगर हम बात करें मेंडेलियन जेनेटिक्स की, ठीक है, सबसे पहले तो आई विल लेट यू नो अबाउट सम ऑफ द टर्म्स दैट वी यूज मेंडेलियन जेनेटिक्स में. ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमें एक टर्म आते हैं जीन और एलील क्या होता है, व्हाट इज जीन, व्हाट इज एलील, जीन एलील क्या होता है. ठीक है, फिर हम डोमिनेंट रिसेसिव का क्या मतलब है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. ठीक है, उसके अलावा जैसे हमारा जैसे अलग अलग टाइप के क्रॉसेस होते हैं, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड एंड ट्राईहाइब्रिड, जिसमें हम एक करेक्टर लेके चलते हैं वो मोनोहाइब्रिड होता है, जिसमें हम दो लेके चलते हैं वो आपका डाईहाइब्रिड होता है, और जिसमें हम तीन करेक्टर एट ए टाइम लेके चलते हैं वो आपका ट्राईहाइब्रिड. मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड एंड ट्राईहाइब्रिड. ठीक है, इसके अलावा जैसे बेसिकली टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस. सो व्हाट इज योर होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इसके अलावा आपका जैसे F1 जनरेशन क्या होती है, F2 जनरेशन क्या होती है. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स वी विल स्टडी. ठीक है, जैसे ऑब्वियसली एज वी नो कि जो मेंडल था उसने कौन से प्लांट पे काम किया था, पी प्लांट के ऊपर. ठीक है, उसने कौन से प्लांट पे काम किया था आपका, पी प्लांट के ऊपर. ठीक है, सो एज वी नो ही टुक 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स. ठीक है, उसने 7 जो आपके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए थे. ठीक है, उसी में हम आपका जैसे उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया, उसमें जैसे रेशियोज आती हैं कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होती है, फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है, या जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है. जीनोटाइप हमें क्या बताता है, जेनेटिक मेकअप, और फिनोटाइप हमें क्या बताता है कि उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है. सो जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, व्हाट इज जीनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप. ठीक है, ये कुछ टर्म्स है जो हम पढ़ेंगे.
जैसे सबसे पहले एक कॉमन जो बच्चों को थोड़ा सा क्लियर नहीं होता कि जीन और एलील में क्या फर्क होता है, ठीक है। एलील्स बेसिकली क्या होते हैं, एलील्स आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, एलील्स आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, फॉर्म्स ऑफ जीन, किसी भी जीन की कितनी भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म हो सकती है। जैसे मान लो मैंने कह दिया ये मेरे पास एक जीन है, ठीक है, इसमें कुछ चेंज आया, जैसे जीन में कुछ चेंज आ गया, ठीक है, कहीं पर जैसे म्यूटेशन होगी तो उसको मैं एलील बोल देते हैं, ठीक है। तो किसी भी जीन की कितनी भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म हो सकती हैं, ठीक है। डोमिनेंट रिसेसिव अभी हम देखेंगे क्या होता है ये, ठीक है। होमोजाइगस, जैसे कोई भी दो एलील हैं अगर दोनों सेम है, स्मॉल टी कैपिटल टी तो वो होमोजाइगस होता है, अगर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है तो वो हेटरोजाइगस होता है, ठीक है। तो अलग अलग हम यहाँ पर एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेंडल ने आपके 7 जो करैक्टर्स हैं जो लिए थे, ठीक है, और उसमें कौन सा करैक्टर डोमिनेंट था, कौन सा आपका रिसेसिव था, ठीक है। सो मेंडल ने ऑब्वियसली, मैंने अभी आपको बताया किस पे काम किया, पी प्लांट के ऊपर, सो ही चूज पी प्लांट। तो उसमें सबसे पहले करैक्टर जैसे मान लो उसने लिया आपका फ्लावर कलर, ठीक है। तो फ्लावर कलर में जैसे आपका पर्पल जो होता है वो डोमिनेंट होता है एंड व्हाइट इज रिसेसिव, पर्पल एंड व्हाइट, सो पर्पल इज डोमिनेंट, व्हाइट इज रिसेसिव, व्हाइट इज रिसेसिव फ्लावर कलर, ठीक है। दूसरा जैसे उसने लिया फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, एक फ्लावर पोजीशन लिया उसने, तो पहले मैं करेक्टर लिख देता हूँ, फ्लावर पोजीशन हो गया, वी हैव सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, सीड कलर, सीड शेप, देन वी हैव फ्लावर कलर, सॉरी पॉड कलर, वी हैव पॉड कलर एंड पॉड शेप, देन वी हैव लाइक स्टेम हाइट, पॉड कलर, पॉड शेप एंड वन वी हैव दैट इज फ्लावर, और दैट इज बेसिकली स्टेम हाइट, स्टेम हाइट। सो फ्लावर कलर में जैसे हमने लिखा पर्पल एंड वाइट, फ्लावर पोजिशन एक्सियल इज डोमिनेंट, टर्मिनल इज रिसेसिव, सीड कलर इज येलो, येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव, सीड शेप बेसिकली राउंड और रिंकल्ड, रिंकल्ड, पॉड कलर इज योर ग्रीन एंड येलो, पॉड शेप फुल एंड कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड एंड स्टेम हाइट इज टॉल और ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ। तो ऑब्वियसली ही टुक द 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन। अब यहाँ पर ना बच्चे थोड़ा सा इसमें होते हैं कि जो सीड कलर होता है वो येलो डोमिनेंट है, ठीक है, ग्रीन आपका रिसेसिव है, ठीक है ना, क्योंकि एरिया टू एरिया, क्योंकि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करे थे वो अलग कंट्री में करे थे, वहां पर येलो कलर डोमिनेंट था सीड का, ठीक है। सो यू वर्क ऑन पी प्लांट दैट इज पाइजम सेटिवियम, कौन से प्लांट पे काम किया था उसने, पाइजम सेटिवियम पे, ठीक है। सो इसमें जैसे सबसे पहले हम देखेंगे आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें हम सिंगल करैक्टर एट ए टाइम लेके चलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन विच यू टुक सिंगल करैक्टर एट ए टाइम, जैसे आई कैन टेक टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ, तो ऑब्वियसली एक आपका वी हैव ए मेल एंड फीमेल, ठीक है, सो टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। तो इसमें हमने ऑब्वियसली जो प्लांट्स के अंदर जनरली आपका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जैसे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो बेसिकली फीमेल के ऊपर जाके बेसिकली जो एक तरह से हम बोलते हैं कि आपका स्टाइल स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा स्टाइल पिस्टिल, ठीक है, तो स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है, जो ये हम तीन पार्ट दिखाते हैं, ओवरी में आपका ओव्यूल होता है, तो पोलन ग्रेन आते हैं, पोलन ट्यूब बनती है,
और फिर वो फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि दिस इज बेसिकली ए टॉल एंड ड्वार्फ, कि एक आपका मेल रिप्रेजेंट कर रहा है एक फीमेल, ठीक है। जो ये सिंबल है दिस इज ऑफ मेल, ये मेल का सिंबल है एंड दिस इज ऑफ फीमेल। सो अब टॉल को हमने होमोजाइगस टॉल लेना है, तो होमोजाइगस टॉल विल बी योर कैपिटल टी कैपिटल टी, होमोजाइगस ड्वार्फ विल बी स्मॉल टी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब भी आपका गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, जैसे मतलब ये क्या शो कर रहा है कि दो क्रोमोजोम है, दिस इज शोइंग टू क्रोमोजोम कैपिटल टी एंड दिस इज ऑल्सो शोइंग टू क्रोमोजोम स्मॉल टी। नाउ वी नो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दोनों में से एक ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कैपिटल टी वाला आ गया, ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया आपका स्मॉल टी, ठीक है। और दोनों ने बेसिकली अपना जो जायगोट बना उसमें कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ठीक है। तो एज कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, तो ये सारे के सारे क्या होंगे टॉल, ऑल विल बी टॉल, दैट इज बेसिकली योर एफ वन जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन है, एफ वन जनरेशन में ऑल विल बी टॉल, ठीक है। इसके बाद जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से कराएंगे इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, हम एफ वन की सेल्फिंग करा रहे हैं, सेल्फिंग ऑफ एफ वन, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर दो टाइप के गैमेट बनेंगे, कि एक गैमेट में कैपिटल टी जाएगा, एक में स्मॉल टी, इधर भी एक में कैपिटल टी एक में स्मॉल टी। तो जैसे इसको हम एक स्क्वायर बना देते हैं, पुनेट स्क्वायर, तो उसमें हम शो कर सकते हैं दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। ये चार हमारे पास पॉसिबल आए। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो ऑब्वियसली ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ठीक है, और ये आपका क्या होगा ड्वार्फ, ठीक है। तो अगर हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो की, जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी रेशियो स्मॉल टी, सो 1:2:1, ठीक है। और अगर हम बात करें फिनोटिपिक रेशियो की, फिनोटिपिक रेशियो, तो उसमें टॉल होंगे आपके 3, ड्वार्फ होगा 1, टॉल रेशियो ड्वार्फ कितने हो गए आपके 3:1, 3 टॉल है, एक आपका क्या है ड्वार्फ। सो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, फिनोटिपिक रेशियो 3:1, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपका जो होमोजाइगस होता है उसमें दोनों एलील सेम होती हैं, हेटरोजाइगस में दोनों एलील क्या होती हैं डिफरेंट, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे बेसिकली अभी हम मेंडल के तीन लॉ भी पढ़ेंगे, जैसे एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कि वन एलील इज डोमिनेंट ओवर अदर, ठीक है। दूसरा जैसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो भी हम पढ़ेंगे जब डाइहाइब्रिड करेंगे, कि जो एलील्स होती हैं वो सेग्रीगेट करती हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। एंड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जो एक एलील का पेयर है उसकी जो बेसिकली जो असॉर्टमेंट है वो दूसरे के पेयर से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे बाद में। अब जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हाउ वी आर लाइक वी आर डिफरेंट फ्रॉम आर सिबलिंग्स, कि हमारे अंदर हमारे सिबलिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे आंसर लगाए क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो एक रीज़न है इसी वेरिएशन का, बट जो मेन रीजन है वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। क्योंकि हमें नहीं पता कि 23 क्रोमोसोम्स मदर से कौन से हैं, 23 फादर से कौन से हैं, ठीक है। सो यू अपीयर डिफरेंट फ्रॉम योर सिबलिंग्स, द मेन रीजन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज द मेन रीजन, दैट इज वाई यू अपीयर डिफरेंट फ्रॉम योर सिबलिंग्स, ठीक है। तो ये डोमिनेंस तो चलो यही है कि एक एलील दूसरे पर डोमिनेंट है, बाकी दोनों लॉज को जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे देन आई विल लेट यू नो, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जैसे हमने जीन एलील हमें पता लग गया कि जीन और एलील क्या होता है, ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव का आइडिया हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी हमने किया, ठीक है, होमोजाइगस हेटरोजाइगस भी हमें पता लग गया, एफ वन एफ टू क्या होता है ये पता लग गया, जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है और जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, ठीक है। अब
अब ये टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ कि जैसे आपके पास एक प्लांट है वो टॉल है, ठीक है, बट आई डू नॉट नो इट इज कैपिटल टी कैपिटल टी टॉल और कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, क्योंकि कैपिटल टी भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होगा, बट मुझे नहीं पता कि वो दोनों में से कौन सा टॉल है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन ये होती है कि जो भी क्रॉस है हमेशा किसके साथ कराना है, क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव, क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव, क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर तो वो कैपिटल टी कैपिटल टी है, अगर आप कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराओगे तो सारे के सारे टोल ही आएंगे, टोल विल बी टोल। अगर सारे टोल आ रहे हैं इसका मतलब वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी को आप स्मॉल टी से करा रहे हो, ठीक है ना, क्रॉस हमेशा आपने होमोजाइगस रिसेसिव से ही कराना है, ठीक है। तो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी देन स्मॉल टी, तो इस केस में क्या होता है, दो आपके टोल आते हैं, दो के आते हैं ड्वार्फ, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपको ड्वार्फ वाले भी दिख रहे हैं, इसका मतलब कि आपका वो हेट्रो, वो क्या है आपका हेट्रोजाइगस टोल है, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है आपका, अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ जो जीनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो कितनी आती है आपकी, 1:1, और फिनोटिपिक रेशियो भी क्या आती है आपकी, 1:1, फिनोटिपिक रेशियो इज ऑल्सो 1:1। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि वो होमोजाइगस से हेट्रोजाइगस टोल है। ये तो होता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अभी जो मैंने आपको क्रॉस कराया उसमें हमने क्या करा था, कैपिटल टी क्या था, दैट वॉज बेसिकली योर मेल, और स्मॉल टी क्या था आपकी फीमेल, स्मॉल टी क्या थी फीमेल, ठीक है, जो भी हमने डिस्कस करा है, ठीक है। कैपिटल टी और ये क्या था आपका, कैपिटल टी आपका मेल, स्मॉल टी फीमेल, ठीक है। और यहाँ से जो एफ वन जनरेशन आई थी वो आई थी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब एक क्या होता है रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस में आप सोर्स ऑफ गैमेट बदल दो, ठीक है, कि जैसे आप क्रॉस किसके बीच में कराओगे, कैपिटल टी आपका फीमेल हो गया और स्मॉल टी आपका मेल हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, दिस इज योर बेसिकली योर रेसिप्रोकल क्रॉस, कि आप सोर्स ऑफ गैमेट चेंज कर देते हो, ठीक है। और बैक क्रॉस क्या होता है, जैसे ये आपके पास एफ वन आया है, ठीक है, क्रॉस ऑफ एफ वन with any one of the parents, cross of F1 with any one of the parents, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पर capital T small T था, ठीक है, या तो इसको capital T से कर दो या capital T small T को small T से कर दो, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं आपका, that is your back cross, क्रॉस ऑफ एफ वन विद एनी वन ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स दैट वी हैव यूज्ड, ठीक है। तो ये तो पढ़ा हमने जनरल सा पढ़ा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन कैसा आता है आपका, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ जनरल सा, ठीक है, जैसे मान लो आपको मैंने कहा कि हमने कैपिटल टी को हमने आपका कैपिटल टी स्मॉल टी से कराया, ठीक है, और एक मैंने आपको दिया कि कैपिटल टी स्मॉल टी को आपने स्मॉल टी से कराया, ठीक है। मान लो इस केस में आपके, मान लो आपके पास 5 seeds आए, ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ऑफ ऑब्टेनिंग tall seeds, what is the probability of obtaining tall seed, का मतलब है कि वो seed जो tall plant बनाए। ऐसे जैसे मान लो मैंने एक ये क्रॉस कराया, ठीक है, इसमें आप बताओ कि जैसे मान लो मेरे पास 5 seeds हैं, इस क्रॉस में 5 seeds आए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 seeds आपके tall वाला फिनोटाइप देंगे और 2 seeds आपके dwarf वाला। आपने किसका क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी का, स्मॉल टी से, कि इसमें 5 seeds आए
और तीन सीड्स टॉल वाला फिनोटाइप देंगे और टू सीड्स ड्वार्फ वाला, ठीक है। और एक केस अगर हम और लेके चलें कि कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी सही, इस केस में भी अगर फाइव सीड्स हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि फाइव में से थ्री सीड्स आपका टॉल वाला फिनोटाइप देंगे और टू सीड्स आपका ड्वार्फ वाला फिनोटाइप देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ having obtaining three seeds which will give you tall phenotype to dwarf, because both the questions are same but crosses are different. In this capital T small t into small t small t, dusre mein capital T small t into capital T small t, theek hai. To first question maine aapko kya diya ki capital T ko aap capital T small t se cross kara rahe ho to kya probability hai ki aapke tall seeds aayenge, theek hai. देखो इसमें ड्वार्फ तो बन ही नहीं सकता, ड्वार्फ के लिए तो दोनों तरफ से स्मॉल टी आना चाहिए, इधर तो सारे ही टॉल बनने हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी वन। सो इन दिस केस ऑल सीड्स विल बी आर टॉल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी का जब भी आप क्रॉस करा रहे हो तो आपके पास पांच सीड्स आएंगे, पांच सीड में से तीन टॉल और दो ड्वार्फ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देखो पेपर में क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछता है, इसलिए इस चीज को हमें देखना है, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, ठीक है। अब मेरे को ये पता है जब भी ये वाला क्रॉस होता है तो दो टॉल आते हैं दो ड्वार्फ आते हैं, यही होता है ना, जब भी आप कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी से कराते हो तो ऑब्वियसली टू विल बी टॉल टू विल बी योर ड्वार्फ। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टॉल इज 1/2 and probability of dwarf is also 1/2, ठीक है ना, 2/4 है ना, चार में से दो टॉल हैं दो ड्वार्फ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ठीक है, दैट इज NCR, ठीक है, NCR इज इक्वल टू या बेसिकली NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस आर, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। जैसे P और Q अलग अलग प्रोबेबिलिटी हैं, जैसे टॉल आने की प्रोबेबिलिटी मैंने P लिख दी और ड्वार्फ आने की Q लिख दी, ठीक है, यहाँ पर दोनों इक्वल हैं तो इतना मैटर नहीं करता। NCR हमें कॉम्बिनेशंस बताता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, P की और r Q की पावर n माइनस r, ठीक है। अब जैसे आपके पास आपको क्या करना है, आपको फाइव में से क्या चाहिए, जो क्वेश्चन था फाइव में से थ्री कौन से होने चाहिए टॉल, ठीक है, और दो ड्वार्फ, सो इट हैज टू बी 5C3, पांच में से तीन टॉल, तो P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल, तो ये हमें कितने चाहिए आपके थ्री, और ये कितने चाहिए ड्वार्फ, कितने चाहिए टू, तो 5C3 को आप सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1/8 इंटू 1/4, ठीक है। 5 फैक्टोरियल किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब जो भी नंबर है उसमें से आप एक एक माइनस करते जाओ और जो 0 फैक्टोरियल होता है वो आपका 1 होता है, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल इज 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इट इज 120, 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1/32, इट कम्स आउट टू बी योर 10/32 और आई कैन राइट एज 5/16। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, जब भी आप कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी से करा रहे हो तो आउट ऑफ 5 3 टॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 5/16, ठीक है। अगर आप ऐसा भी करते हैं ना, 5 में से 2 ड्वार्फ चाहिए जैसे 5C2, तो 5C2 भी यही आएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, तो वो भी आपका कितना आएगा, आपका वो 10 ही आएगा, ठीक है ना। मतलब ये जो चीज़ है, या तो आप कह दो 5 में से 3 टॉल चाहिए या 5 में से 2 ड्वार्फ चाहिए, ये कॉम्बिनेशन आपके 10 ही आएंगे, ठीक है, बाकी प्रोबेबिलिटी वही है क्योंकि 5 में से 2 ड्वार्फ हैं तो 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 3, ठीक है। तो जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन है दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी को आपने कैपिटल टी स्मॉल टी से कराना है, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम ये क्रॉस कराते हैं
तो हमें पता है कि 3/4 आपके टॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 ड्वार्फ आने की, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन किया है उसमें हाफ ऑफ थी, ठीक है ना, क्योंकि वो क्रॉस कौन सा था, टेस्ट क्रॉस था। यहाँ पर जो क्रॉस है ये नॉर्मल वाला, जो कैपिलरी स्मॉल इनटू कैपिलरी स्मॉल टी, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर वही लगना है, एनसीआर, ठीक है, पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या था आपका 5c3, ठीक है, पी आपका क्या है 3/4, 3/4 की पावर 3 और 1/4 का स्क्वेयर, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, 5c3 तो वही 10 ही आना है, 3/4 का क्यूब 27/64 इंटू 1/16, ठीक है ना, 1/16, 2 5 10, दिस इज 32, तो 5 × 27 आपका कितना आएगा, सो दैट विल बी 135/32×16, ठीक है। अगर हम देखें कि 32×16 कितना आएगा, सो 32×16 इट कम्स आउट टू बी 512, ठीक है। और अगर हम डिवाइड करें 135 को 512 से तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.26, ठीक है। सो 0.26 इज द राइट आंसर, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो गेट का एग्जाम है, आईटी जैम का एग्जाम है, ये फिल इन द ब्लैंक आता है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक में जो आंसर है वो कहेगा आपको 2 decimal लिखना है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन नहीं आएगी, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं आती, आपको फिल इन द ब्लैंक आता है, इसलिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो आपका, जैसे स्नैप ड्रैगन जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉग फ्लावर और एंटीरिनियम स्पीशीज, ठीक है, दैट इज स्नैप ड्रैगन और डॉग फ्लावर और एंटीरिनियम स्पीशीज, डॉग फ्लावर और एंटीरिनियम स्पीशीज, ये आपको क्या दिखाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास कैपिटल आर जो है वो है रेड, ठीक है, स्मॉल आर क्या है, वाइट, ठीक है। तो ऑब्वियसली इधर से कैपिटल आर आएगा, इधर से आपका स्मॉल आर आएगा। सो F1 में सारे कैसे आते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से तो रेड आने चाहिए, बट F1 में सारे क्या आते हैं, ऑल पिंक। कैसे आते हैं, ऑल विल बी योर पिंक, कैसे आते हैं, पिंक। अब जब हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं तो बेसिकली क्या होता है आपका, अगर हम कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से करा रहे हैं, तो बेसिकली आपका क्या होता है, कैपिटल आर योर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। सो जब हम ये सेल्फिंग कराते हैं तो इस केस में क्या होगा आपका, कि ऑब्वियसली कैपिटल आर विल बी योर रेड, ये रेड होगा, दिस विल बी योर पिंक, दिस विल बी अगेन पिंक एंड दिस विल बी वाइट, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशो दैट इज रेड इज टू पिंक इज टू वाइट, वो कितनी आपकी 1:2:1, ठीक है। और जीनोटिपिक रेशो भी यहाँ पर क्या आपकी 1:2:1, ठीक है। तो मतलब दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, स्नैप ड्रैगन इसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर जैसे ना प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, क्योंकि रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4, क्योंकि आउट ऑफ 4 सिर्फ आपका एक ही रेड है, पिंक आने की 1/2 है, वाइट आने की भी 1/4 है, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो विल ऑल्सो बी 1:2:1, जीनोटिपिक रेशियो भी आपकी सेम होती है, जीनोटिपिक रेशियो मतलब दोनों 1:2:1 आती है।
ऐसे एक एग्जांपल हम लेंगे आपका कोडोमिनेंस का, कोडोमिनेंस ठीक है। कोडोमिनेंस क्या होता है, व्हेन देयर इज नो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप बिटवीन डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप बिटवीन सेट ऑफ एलील्स, रिलेशनशिप बिटवीन सेट ऑफ एलील्स, उसे हम क्या बोलते हैं आपका कोडोमिनेंस, कि जब एलील्स के बीच में कोई डोमिनेंट रिसेसिव वाली रिलेशनशिप ही नहीं है। इसमें जो एग्जांपल हम लेते हैं वो लेते हैं ब्लड ग्रुप का, ठीक है, विच इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। इसमें क्या होती है आपकी मल्टीपल एलील्स, यहाँ पर जैसे हम तीन एलील होती हैं आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई, आई ए आई बी एंड स्मॉल आई, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम एक तो लिखते हैं आपका जीनोटाइप, फिनोटाइप, एंटीजन एंड योर एंटीबॉडी। एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है। जैसे जीनोटाइप आपका है आईए आईए, जीनोटाइप जीनोटाइप क्या आपका आईए आईए, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ए, एंटीजन होगा ए, एंटीबॉडीज होंगी अगेंस्ट बी, ठीक है। ऐसे अगर आईए स्मॉल आई तब भी ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन विल बी ए, एंटीबॉडीज विल बी अगेंस्ट बी। ऐसे ही अगर आई बी है तो ब्लड ग्रुप विल बी बी, एंटीजन विल बी बी, एंटीबॉडी विल बी अगेंस्ट ए। इफ इट इज आई बी स्मॉल आई देन ऑल्सो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बी, एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए। ऐसे अगर आई ए आई बी, अब देखो ये है दोनों एक्सप्रेस करेंगी तो ब्लड ग्रुप विल बी ए बी, दोनों एंटीजन होंगे, नो एंटीबॉडीज, दैट इज वाई इट इज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है, इट इज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ऐसे जो आपका स्मॉल आई है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ, नो एंटीजन एंड एंटीबॉडीज विल बी अगेंस्ट ए एंड बी, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, ये क्या होता है आपका यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। तो इसको हमने जो आई ए आई बी, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों एलील हैं वो क्या है आपका, क्या दिखा रहे हैं, कोडोमिनेंस, कि दोनों एलील एक्सप्रेस कर रही हैं। व्हेन देयर इज नो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप बिटवीन सेट ऑफ एलील्स, उसे हम क्या बोलते हैं आपका कोडोमिनेंस, ठीक है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपका किस एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, ठीक है। अब जैसे इसमें अगर हम एक अदर क्वेश्चन देखें, जैसे ऑब्वियसली फादर का ब्लड ग्रुप अगर ए है और मदर का बी है, तो ऑब्वियसली किस केस में आपका ब्लड ग्रुप जो है बच्चे का वो ओ आएगा। दो सिर्फ ए केस में हो सकता है, जब दोनों पेरेंट्स हेटरोजाइगस हैं, आई ए स्मॉल आई एंड आई बी स्मॉल आई, तो इस केस के अंदर क्या होगा आपका, कि इफ इट इज आई ए स्मॉल आई एंड आई बी स्मॉल आई एंड आई बी स्मॉल आई, ठीक है, इसमें आई ए आई बी, आई बी स्मॉल आई, आई ए स्मॉल आई एंड स्मॉल आई, ठीक है। सो इस केस में आपका मतलब चारों ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, ठीक है ना, बच्चे का ए बी भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी आ सकता है और आपका आपका ओ भी आ सकता है, ठीक है, ए बी भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है, ठीक है। दो वो इसी केस में होगा जब दोनों के दोनों पेरेंट्स के आपके एंड बोथ द पेरेंट्स आर योर हेटरोजाइगस, ठीक है। करेंगे अभी इस पर क्वेश्चन हम, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा, ठीक है, देखो बेसिक वही है जो जनरल हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है, बट देयर वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन वेरीज, लाइक द क्वेश्चन जो आज हमने दो तीन डिस्कस करे, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज
क्योंकि जब तक आपको जेनेटिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक जेनेटिक्स में क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है ना। इट इज नॉट टिपिकल मैथमेटिक्स बट यू शुड नो वेयर टू अप्लाई। लाइक अभी हम एक प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, दैट इज मल्टीप्लीकेशन रूल, एडिशन रूल। क्योंकि जेनेटिक्स में जो क्वेश्चन आता है, चाहे हम पेडिग्री करते हैं, चाहे ये मेंडेलियन जेनेटिक्स है, सो प्रोबेबिलिटी विल कम इनटू काउंट। व्हाट इज बेसिकली रेशियोज, क्योंकि ये जो जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट है ना, दीज आर समथिंग विच आर लाइक हाइपोथेटिकल, ठीक है ना। कि क्योंकि जहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो दैट इज समथिंग हाइपोथेटिकल, कि ये होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, ये होने की इतनी है। इसलिए जब तक प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का नहीं हमें आइडिया, तब तक ऑब्वियसली क्वेश्चन करने में थोड़ी डिफिकल्टी रहती है। बट विद प्रैक्टिस एंड विद द लाइक द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल डिस्कस इन द लेक्चर्स, यू विल गेट एन आइडिया, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट वेयर यू नीड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सिर्फ को डोमिनेंस को रट के इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, बिकॉज वी हैव टू अपीयर इन ए ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस उसी हिसाब से आते हैं, ठीक है। पेडिग्री हम करेंगे, चाहे लिंकेज क्रॉसिंग ओवर है, सो यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वो धीरे धीरे अभी हम इसमें चीजें पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। सो वन ऑफ द कंसेप्ट वी डिस्कस कि इफ वी डू ए पर्टिकुलर क्रॉस एंड आउट ऑफ एंड वी विल गेट दिस नंबर ऑफ सीड्स, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टॉल ड्वार्फ। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको थोड़े से मतलब ध्यान से करने हैं, ठीक है। सो वी विल स्टडी दिस ऑल्सो, मैं आपको अलग से भी टॉपिक पढ़ाऊंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का।